बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास बुक है इल्म शहरियत यानी कि सिविक्स की, जो बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे उनके लिए मैंने जल्दी जल्दी से मैंने कहा ये वीडियो बनाऊं ताकि बच्चों को कुछ हेल्प हो सके। तो ये देखें, यहाँ पर आपका हिस्सा बे है, क्लास 10 यानी कि 10 क्लास के लिए है। ये स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 7 से, नज़ीर पाकिस्तान और तहरीके पाकिस्तान से। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अच्छा, जो इंग्लिश वाले हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, वो जस्ट अपनी इंग्लिश की बुक्स खोलें और साथ साथ देखते जाएं हम कौन सा चैप्टर निकाल रहे हैं, और इंशाल्लाह वो उनको मुश्किल नहीं होगी। तो मेरे पास यही बुक थी, अलग अलग बुक्स ख़रीदना भी इजी नहीं होता बार बार। और नज़र के पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान मूवमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है जी, एमसीक्यूज़ आपने सारे करने हैं, लाजमी करने हैं हर उसके, क्योंकि ये तो आप एक दो दफ़ा पढ़ते हैं आपको याद हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है आपके पास, मुख्तसर जवाबात नज़रिए पाकिस्तान के असासी असूल मुख्तसरन पेश करें, इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाजमी याद करने हैं आपने। फिर आप आ जाएँ जी, नेक्स्ट आपके पास है कौमी यकजहती का असूल कैसे मुमकिन बनाया जाए, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर मुस्लिम लीग के इब्तदाई मकासद, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा ना आपके ओनली सिर्फ 4 चैप्टर हैं, तो जाहिर बात है पूरा पेपर 4 चैप्टर्स में से आएगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट ही हैं। 3 जून 1947 के मनसूबे के अहम नुकात तय कीजिए, ठीक है। पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल मुख्तसरन बयान कीजिए। मैं ये रेफ़र करूँगी कि आप लोग ये एक दफ़ा ध्यान से पढ़ लें कि पाकिस्तान जब बना था तो उसके इब्तदाई मसाइल क्या थे, ये आ सकता है, या एमसीक्यूज़ में या किसी भी तरह से शॉर्ट में ये आ सकता है। अच्छा, लॉन्ग में आ जाएँ तो नज़ीर पाकिस्तान की वजाहत वही डिटेल के साथ होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। फिर आगे आ जाएँ आप लोग तो ये वही है, नज़ीर पाकिस्तान हेडिंग्स अच्छे से याद करें और नीचे से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पैराग्राफ आप बना लें। फिर आपके पास है योम यकजहती से क्या मुराद है, पाकिस्तान में किस तरह योम यकजहती को फ़रोग दिया जा सकता है, ये लॉन्ग में आपका आ सकता है। फिर आगे चलें, ये देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है कि ये 2011 में आया हुआ सरसद अहमद खान के सियासी, लेकिन उसके बाद भी ये आया हुआ है, सियासी नज़रिए पर बहस करें, लेकिन इसके अलावा भी सरसद अहमद खान का जो है ना वो एक और शायद क्वेश्चन वो आया हो, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर करें। मैं तो यही कहूँगी कि सारा 4 ही चैप्टर हैं, आपको चाहिए सारा कर लें, लेकिन फिर भी वो बच्चे जो नहीं कर पाते तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा ये है कि वो थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें हम निकाल के दे रहे हैं। क्या पाकिस्तान में किरदार ये नहीं है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, अच्छा मुस्लिम लीग का क़याम देखें, ये वाला 2010-11 में आया हुआ है क्योंकि ये बुक ओल्ड है, तो इसके अलावा भी जो है बाकी आगे की ईयर्स में भी ये यकीन क्वेश्चन आया होगा मुस्लिम लीग का आया हुआ। मैंने ख़ुद से उसमें 10 ईयर्स में चेक किया है, उसमें ये चीज़ें हैं, मुस्लिम लीग का क़याम कब और क्यों अमल में आया वजाहत कीजिए। अच्छा, ये मैं इसको जितना इम्पोर्टेंट कहूँ ये कम है, ये 2006, 2009, 2010, 2011 और उसके बाद के ईयर्स में भी आया हुआ कहा जा रहा है कि 14 नुकात ये हर हाल में आपने रट लेने हैं, ये बिल्कुल इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद नीचे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलामा इकबाल का खुतबा आलाबाद 1930 के अहम नुकात, तो खुतबा आलाबाद इंग्लिश वाले भी देख लें, खुतबा आलाबाद होगा तो ये भी लाजमी करना है, नहीं छोड़ना ये दोनों 14 पॉइंट और खुतबा आलाबाद। उसके बाद आ जाएँ ये देख, करारदाद लाहौर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसमें नोट आ सकता है, करारदाद पाकिस्तान पर नोट लिखें, ये करारदाद लाहौर 1940 पर नोट लिखें, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है पाकिस्तान को अपने इब्तदाई दौर में जिन मसाइल का सामना, वो मैंने आपको शॉर्ट में कहा था, तो आप शॉर्ट में सिर्फ हेडिंग्स याद कर सकते हैं, जबकि लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे 2006 में भी है और 2011 में भी और उसके बाद के भी ईयर्स में जारी बात है ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा ही समझ लें इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ चीज़ें जो हमने छुड़वाई हैं आप देख लें, उसको नहीं करना चाहते तो हेडिंग ज़रूर याद करें, इसके नीचे जो आपको समझ थोड़ा आ रहा है जितने हद तक आप कर सकते हैं उसको लिखें, पूरा याद कर सकते हैं, बोरी बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करें। दरसी मशक यहाँ पर देखें, इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 8, पाकिस्तान में आइनी इर्तका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान,
इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, चलते हैं एमसीक्यू सारे करने हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, आपके पास है करारदादे मकासिद 1940 के चंद अहम रहनुमा असूल, वही जो हम पीछे हमने जो क्वेश्चन किया है उसी का ये आगे से है कि उसके रहनुमा असूल क्या थे। नीचे ये दोनों क्वेश्चंस और लास्ट वाला देख लें कि 1936-1956 के आइन की नुमाया खसूसियात, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कीजिएगा। अच्छा ये छोड़ दें, 1962 वाला छोड़ दें, 1973 के आइन के ये भी करें, ये भी ज़रूर करें, इंपॉर्टेंट है ये 1973 वाला। अच्छा ये देखें यहाँ पर 1973 के आइन की स्लाइड, तो 1973 वाले जो कानून थे ना जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलग होने के बाद थे, वो सारे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तारीफ बयान की गई है मुसलमान की, क्या तारीफ बयान की गई है। अच्छा फिर तफसीली जवाब में करारदादे मकासिद 1949 के अहम नुकात 1949, फिर आपके पास 1956 देखें, ये भी 2009 में आया है। फिर आप आ जाएं जी 1962 के आइन की अहम खसूसियत, भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2010, और इसके अलावा भी जो है बाकी आगे की ईयर्स में है तो लाजमी करें। फिर 19, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, 1970 आप कहेंगे सारी चीज़ें लगवाई जा रही हैं, लेकिन क्या किया जाएगा, ये देखें क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। पिछले के ईयर्स में 300 दफ़ा आया हुआ है, तो अभी आगे भी काफ़ी टाइम आया हुआ, मैंने ईयर यहाँ मेंशन नहीं किया कि चैप्टर ही जो 4 हैं और उनमें से सारा पेपर बनाना होता है। अच्छा ये नहीं है, ये देख लें 1973 के आइन के अहम खसूसियात, वही चीज़ 1973 वाला, हेडिंग ज़रूर याद कर लें। अच्छा ये पाकिस्तान में 1947 से 1956 तक आइनी इर्तका के मुख्तसर जायज़े लें, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर 1956